अपडेट आ रही है, जहां YouTube एक नया अपडेट लाने वाला है जो व्यूवर्स के लिए अच्छी खबर नहीं है। दरअसल YouTube 5 अनस्किपेबल एड्स चलाने वाला है, मतलब आप कोई भी वीडियो देखते हो तो उस पर जो ऐड चलता है जो 6 सेकंड बाद स्किपेबल होता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि YouTube 5 ऐड चलाने वाला है जो अनस्किपेबल होगा। अभी इसका टेस्टिंग चल रहा है, देखते हैं कब लागू करता है। वैसे आप YouTube प्रीमियर लोगे या 5 अनस्किपेबल ऐड देखोगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है इंस्टाग्राम को लेकर के, जिसके सर्च बॉक्स में जाकर हैशटैग इंबेंडेंट सर्च करने पर आईडी लॉग आउट हो जा रहा है। अब देखो, मैंने सर्च करके तो नहीं देखा है क्योंकि मुझे मेरा पासवर्ड याद नहीं है, लेकिन आप चाहो तो देख सकते हो। वहीं यह एक बग है जिसके कारण ऐसा हो रहा है, जिसे इंस्टाग्राम सॉल्व करने में लगा है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है थैंक गॉड मूवी को लेकर के, जिसके मेकर सिंदर कुमार और एक्टर अजय देवगन और सिद्धार्थ मल्होत्रा पर जौनपुर में एक वकील ने केस फाइल किया है, क्योंकि फिल्म के ट्रेलर में जो दिखाया गया है उसे धर्म को ठेस पहुंच रहा है। वैसे आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ये भी बताएं कि बॉलीवुड वाले कब सुधरेंगे। नेक्स्ट अपडेट आ रही है कार्तिक आर्यन और रश्मिका मंदाना को लेकर के, जिन्हें वाउ स्किन केयर ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। वहीं कार्तिक ने खुद कन्फर्म किया है, उन्होंने एक ट्वीट कर जानकारी दी है जिसमें उन्हें रश्मिका के साथ दिख रहे हैं और कैप्शन में लिखा है कि मीट माई वाओ पार्टनर। नेक्स्ट अपडेट आ रही है हिट 2 मूवी को लेकर के, जिसका रिलीज डेट फाइनल हो गया है। फिल्म 2 दिसंबर को रिलीज होगी। फिल्म में आदिवी सेठ मुख्य भूमिका में होंगे। इसका फर्स्ट पार्ट हिट द फर्स्ट केस बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल रही थी, जिसका बॉलीवुड में सेम टाइटल के साथ रीमेक भी बना था, जिसमें राजकुमार राव मुख्य भूमिका में थे। और अब इसका सेकेंड पार्ट हिट द सेकेंड केस आ रहा है। आप इस मूवी को लेकर के कितना एक्साइटेड हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है शैलेश लोहरा को लेकर के, जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में मेहता साहब का रोल निभाते थे। उन्होंने हाल ही में शो छोड़ दिया है, जिसके बाद तंग कसते हुए एक कविता पोस्ट की है। वहीं जब लोगों ने पूछा कि आपने शो क्यों छोड़ा तो उन्होंने बोला कि जल्द ही बताऊँगा। वहीं एक यूजर ने लिखा कि आपको शो नहीं छोड़ना चाहिए था, जिस पर उन्होंने कहा कि कुछ तो मजबूरियाँ रही होगी, यूँ ही कोई बेवफा नहीं होता। शैलेश सर की बातें सुनकर ऐसा लग रहा है कि उनके और शो के प्रोड्यूसर आसित मोदी के बीच अनबन रही होगी। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है स्पोर्ट्स से, जहां टेनिस के दिग्गज प्लेयर रोजर फेडरर संन्यास का ऐलान किया है। उन्होंने खुद ट्विटर पर एक पोस्ट डाला है और इसकी जानकारी दी है। बात करें उनकी फेयरवेल की, तो अगले सप्ताह में लंदन में होने वाले लेवर कप में आखिरी बार वो कोर्ट पर नजर आएंगे। वहीं उनकी उपलब्धियों की बात करें तो जिसमें सबसे अधिक उम्र में नंबर 1 रैंकिंग पाने वाले पहले खिलाड़ी हैं, उनके नाम 8 विंबलडन जीतने का रिकॉर्ड है, जो मेंस सिंगल प्लेयर में सबसे ज़्यादा है। उन्होंने 1526 सिंगल्स मैच खेले हैं, जिसमें से 1251 में जीत हासिल हुई है, और 223 डबल खेले हैं, जिसमें से उन्होंने 131 में जीत हासिल की है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है पाकिस्तान को लेकर के, जिसने T20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम का अनाउंस कर दिया है, और लोग उम्मीद लगा रहे थे कि उसमें बहुत सारे चेंज होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। टीम की बात करें तो बाबर आजम कप्तान, शादाब खान, आसिफ अली, हैदर अली, हारिस रौफ, इफ्तिकार अहमद, खुशदिल शाह, मोहम्मद हुसनैन, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद वासिम, नसीम शाह, शाहीन अफरीदी, शान मसूद, उस्मान कादिर। वहीं फखर जमान और मोहम्मद हारिस, साथ ही शाहनवाज दहानी को रिजर्व में रखा गया है। वहीं टीम सिलेक्शन पर मोहम्मद आमिर ने ट्वीट कर कहा कि चीफ सिलेक्टर की चीफ सिलेक्शन। एक और पाकिस्तानी प्लेयर इमाद वसीम ने भी PCP पर तंज कसते हुए ट्वीट किया है। वहीं पाकिस्तान के पूर्व गेंदबाज शुएब अख्तर ने कहा कि पाकिस्तान की टीम कमज़ोर दिख रही है, इसका मिडिल ऑर्डर इनएक्सपीरियंस है। साथ ही इसने कोहली को लेकर भी एक बयान दिया है, जिसमें कहा है कि कोहली को T20 वर्ल्ड कप के बाद संन्यास ले लेना चाहिए। वैसे आपको क्या लगता है, जिसके देश के खिलाड़ी शोएब मलिक 40 की उम्र में T20 खेल रहे हैं, वो दूसरों को नसीहत दे रहे हैं कि संन्यास ले लें। नेक्स्ट अपडेट आ रही है जहाँ अफगानिस्तान ने भी अपनी T20 वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड की अनाउंस कर दी है, जिसमें मोहम्मद अभी कप्तान, नजीबुल्ला जदरान, गुरबाज, उमरजाई, रसूली, फरीद अहमद, फारूकी, हजरतुल्ला जराई, इब्राहिम जदरान, मुजीबुर रहमान, नवीनुल हक, कुवैस अहमद, राशिद खान,
सलीम सफ़ी, उस्मान घनी। वहीं जिम्बाब्वे ने भी स्क्वाड के नाम्स कर दिए हैं। टीम की बात करें तो इविन कप्तान, चतारा, मडांडे, मुयोंगा, सिकंदर रजा, चिवंगा, मारुमानी, बर्ल्स, इवांस, मढ़ेवे, मुजरवानी, एसरुम्बा, काया, न्योंची, चकभावा, जोंगवे, मस्कदजा, नगारा, विलियम्स, केसुजा। नेक्स्ट अपडेट आ रही है शाहीन साफरीदी को लेकर के, जो इस वक्त इंग्लैंड में अपना रिहेबिलिटेशन कर रहे हैं, जिसको लेकर पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी शाहिद अफरीदी ने एक चैनल पर कहा है कि उन्होंने डॉक्टर की अरेंजमेंट की है और शाहीन खुद डॉक्टर से कॉन्टेक्ट किया है। साथ ही उसका रहना, खाना पीना और ट्रेवल, इन सब का खर्चा वो खुद अपने उठा रहा है। किसी भी केस में कोई योगदान नहीं है। शाहिद अफरीदी की बात सुने तो पीसीबी एक बार फिर एक्सपोज हो गया, जो अपने की प्लेयर को स्पॉन्सर भी नहीं कर सकता। वहीं नेक्स्ट अपडेट आ रही है T20 वर्ल्ड कप में होने वाले भारत और पाकिस्तान के मैच को लेकर के, जिसका टिकट सोल्ड आउट हो गया है।